हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 13th ऑफ अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स अगर आप देख रहे होंगे तो आज के दिन फिर से ये थोड़ा सा वोलाटाइल यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल शेयर होता है क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे क्लोजिंग, फिर बीच में इस तरीके से ये ट्रेड करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के दिन अगेन हम लोग को एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। और यहाँ पे इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये इतने समय पे यहाँ पे 4-5 दिन इस जोन में टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से रिटर्न जाएगा तो ये इस लेवल के आसपास यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलना चाहिए, और आज के दिन हम लोग को इसी जोन में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर अगेन हम लोग को 3075 का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है, तो हो सकता है अभी ये 3100 के आसपास जाके इस 3100 से रिजेक्शन ले, एंड उसके बाद फाइनली 3125 पे। इस बार अगर 3125 ब्रेकआउट हो रहा होगा तो हो सकता है ये ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल जाए और ऊपर वाले लेवल्स को हम लोग को यहाँ पे ये दिखाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 50% के आसपास आके यहीं से ऊपर क्यों निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन के आसपास जब ये इकट्ठा होता है तो ब्रेकआउट नहीं होता है, और नीचे आने के बाद में अचानक से बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है और ये ऊपर की ओर निकल जाता है। लेकिन जब तक ये यहाँ पे अभी तक 131120 का लेवल नहीं निकलता, तब तक हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। 3120 के आसपास हम लोग को ब्रेकआउट मिल रहा होगा तब ये अलग बात होगी और ऊपर की हम लोग बारे में सोचेंगे। अदरवाइज ये इन लेवल से भी अगर जाता है, बहुत बार क्या होगा देखेंगे आप, रिजेक्शन लेके फिर से इस जोन में आ जाएगा और यहाँ पे ये कि इस तरीके से चैनल पैटर्न बनाएगा जिसको बाद में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। तो हम लोग को थोड़ा सा संभल के भी कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। अगर नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 3000 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है, तो 2960 वाला लेवल, एंड उसके बाद हम लोग को इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये आता हुआ देख सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत सही तरीके से ये अपने इन लेवल्स के आसपास वेट कर रहा है 3060 पे। तो 30 लगभग लगभग 62 का ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को कुछ नहीं, तो लगभग लगभग 3080 तक का एक ऊपर की ओर लेवल दिखा सकता है। और नीचे की ओर अगर 3030 का ब्रेक डाउन करता है तो 3010, एंड उसके बाद लगभग लगभग 3000 का लेवल हम लोग को नीचे की ओर दिखा सकता है। तो एशियन पेंट्स इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई होगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।